फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी छोटी सी शॉपिंग दिखा रही हूँ। तो कुछ ही प्लांट है, सिर्फ चार प्लांट हैं ये, और कुछ प्लांटर्स मैंने लिए हैं तो वो दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये है, पहले मैं प्लांट दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये है डेमो फ्लावर। डेमो भी एक सीजनल प्लांट है, तो आपने अगर नहीं देखा तो देखिए, डेमो इसका नाम है और इसमें वाइट कलर का फ्लावर आएगा। नर्सरी में वो कह रहे थे शायद वाइट भी आए। इसमें दो कलर होते हैं फ्रेंड्स, वाइट और येलो। तो अब वाइट आता है कि येलो, ये मुझे नहीं मालूम है, बर्ड आ रही है ये देखिए। तो ये एक प्लांट मैंने ऐड किया है, तो अभी मेरे गार्डन में ये नहीं था तो मैंने इसको लिया है। तो वही काफ़ी चीप प्राइस में है फ्रेंड्स, ये 2020 के ही हैं। अभी जितने भी विंटर के प्लांट्स आ रहे हैं वो 20 में ही हैं। तो बहुत ही सस्ते में हम अपने गार्डन को कलरफुल बना सकते हैं, तो आप भी ज़रूर ला सकते हैं। कोई इतने महंगे प्लांट ये नहीं होते हैं कि हम इनको ऐड ना कर पाएँ। तो ये डेमो हो गया। ये है इनपेशेंस। इनपेशेंस के मैंने और आपको दो कलर दिखाए हुए हैं, और ये पिंक कलर है, ये कलर नया है तो ये भी लिया है। ये देखिए, इसमें जो फ्लावर था वो अभी गिर गया है सूख कर, तो आपको कलर ज़्यादा नहीं दिखा। ये पिंक कलर का है, ये देखिए। और ये मैंने डॉग फ्लावर लिया है, ये देखिए। डॉग फ्लावर का ये एक और कलर में लाई हूँ, ये देखिए, ये बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए, रोज़ पिंक रोज़ के जैसा इसका कलर है, तो काफ़ी सुंदर है ये। तो डॉग फ्लावर का ये दूसरा कलर मैंने लिया है। और यहाँ ये पिटूनिया। पिटूनिया तो अभी विंटर का राजा है। गुलाब तो हमेशा ही हमारे चल जाते हैं, पूरे साल चल जाते हैं, एक तरह से पेरेनियल प्लांट होते हैं रोज़। और ठीक है, समर में थोड़े कम उनमें फूल आते हैं, लेकिन आते हैं। मगर पिटूनिया जो है वो विंटर में ही आता है, और विंटर में ये 4-5 महीने जमकर फ्लावरिंग करेगा फ्रेंड्स। इतना फ्लावरिंग होती है इसमें कि पूरा पॉट हमारा भर जाएगा, और फिर लीफ दिखती ही नहीं है जब इनको अच्छे से हम रिपॉट कर देंगे। और प्लांट्स लेते समय फ्रेंड्स, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसका स्टम देखिए इस तरह से, देखिए, हेल्दी हो, छोटा सा स्टम ना हो, प्लांट गिर ना रहा हो। जैसे लुढ़क जाते हैं ना प्लांट, कुछ प्लांट हमारे गिरे से होते हैं, हिलते रहते हैं, तो इस तरह मजबूत प्लांट लीजिए। और कुछ पत्तियां वगैरह तो होती हैं, क्योंकि इतने प्लांट्स होते हैं नर्सरीज में कि सबकी केयर वो नहीं करते हैं, तो वो तो हम घर में ठीक कर लेंगे। लेकिन इस तरह से जो भी गली सड़ी पत्तियाँ आपको दिख रही हैं, तो आप घर लाकर उसको बिल्कुल ठीक करेंगे। और इनको ऐसी जगह पर रखेंगे फ्रेंड्स लाकर, जहाँ पर आपको रिपोर्ट करने के बाद भी रखना है, ताकि नर्सरी में जो एटमॉस्फेयर इनको मिल रहा था और घर में हमारा जो एटमॉस्फेयर है उससे चेंज होके प्लांट्स जो है वो शॉक में ना जाएं। और जिस जगह हम रिपोर्ट करने के बाद इनको प्लेस करेंगे, उसी जगह अगर हम रख देंगे तो इनको आदत हो जाएगी उतनी ही धूप और उतनी ही हवा, उतनी ही छांव की जो आपके उस एरिया में आएगी। तो बहुत ज़रूरी है प्लांट के साथ ये करना फ्रेंड्स। जैसे हम कहीं जाते हैं और हम नया बिस्तर होता है, नया घर होता है, तो हमें नींद नहीं आती है, नहीं आती है ना एक दो दिन, उसके बाद हम सेट हो जाते हैं। लेकिन उसी तरह प्लांट भी बच्चे की तरह होते हैं फ्रेंड्स ये भी, और इनको भी जब वेदर चेंज होता है या जगह चेंज होती है तो उससे ये डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर आप रिपोर्ट के बाद तुरंत इनको ला कर रिपोर्ट कर दोगे तो ये मर जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे ही डिस्टर्ब हो रहे हैं वेदर से। वहाँ एटमॉस्फेयर अलग था छाँव धूप का, और यहाँ अलग है आपके घर पे। और साथ ही साथ आप इनकी रूट को भी छेड़ोगे रिपोर्ट करके, तो इस तरह से आप कभी रिपोर्ट नहीं करेंगे। लाकर इनको रख देंगे 4-3 दिन, अगर आप हो सके तो 1 हफ्ते इनको रख दीजिए। उसके बाद इनको जब सेट हो जाएंगे उस जगह पर, ये इनको आदत हो जाएगी उतनी धूप और छांव की आपके घर में जिस तरह का उस जगह पर आ रही होगी, तब इनको आप रिपोर्ट करोगे तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लांट भी आपका आपके घर में सेट हो जाएगा। इसके बाद ये पिटूनिया में भी आप देखिए, ये देखिए थोड़ी सी पत्तियाँ पिटूनिया में, देखिए थोड़ा ये होता है, थोड़ा घना प्लांट होता है, बुशी होता है, तो इसमें तो ये आम बात है कि ये सब है। तो प्लांट मैंने देखा तो प्लांट तो मेरा काफ़ी हेल्दी था, और इसमें ये जो कटिंग्स वगैरह लगाने के लिए काफ़ी, ये देखिए स्टिक निकल रही है, तो मैंने इसलिए इसको ले लिया कि इसमें थोड़ा कटिंग्स वगैरह मैं लगा लूँगी, इसलिए मैंने इसको लिया। मैनी ब्रांचेस हैं इसमें, और ये देखिए इस तरह से जो भी आपको वीड्स दिखे, देखिए इसमें ये बथुआ जो हम खाते हैं ना, ये देखिए बथुआ निकल रहा था, तो इस तरह की वीड्स आप बिल्कुल हटा दीजिए। और यही केयर आपको है ला कर, इसको पहले आप अच्छे से देख लीजिए अपने प्लांट को, इस तरह से जितनी भी सड़ी गली पत्तियाँ हों इनको आप, ये देखिए सब निकला है ना, इसको निकाल देंगे। और प्लांट को उसके बाद ऐसी जगह ही प्लेस करिएगा जहाँ पर इनको आपको रिपोर्ट के बाद रखना है। बस इतनी केयर है इनकी, 4-5 दिन के लिए इनको रिपोर्ट भी आप ना करें, और इनको पानी देते रहें, मिट्टी सूखने पर ही पानी दें फ्रेंड्स। वैसे ये पॉली बैग्स में छेद होते हैं तो पानी निकल जाता है, मगर बहुत गीला करके आपको नहीं रखना है, क्योंकि विंटर में ऐसे ही इतना ज़्यादा ठंडा होता है वेदर, ऊपर से हम पानी दे देकर इनको और ठंडा नहीं करेंगे। तो
बस ये देखिए मैंने साफ़ कर दिया है पूरा, काफ़ी इसमें गली सड़ी पत्तियाँ दिख रही थी, तो आप भी इतना थोड़ा सा इसको केयर कर लीजिएगा जिससे कि फंगस की प्रॉब्लम हमारे प्लांट को नहीं होगी। फ्रेंड्स आपको दिखाने के लिए मैंने ये फ्लावर रख छोड़ा था, अभी मैं ये फ्लावर भी रिमूव कर रही हूँ क्योंकि ये स्प्लिन फ्लावर है। जैसे ही हमारा फ्लावर खिलना बंद करता है उसको ये देखिए हमको निकाल देना चाहिए, इससे प्लांट की एनर्जी वेस्ट नहीं होती, वो न्यू शूट्स और न्यू बड्स निकालेगा। तो इस तरह से मैंने इसको हटा दिया है। तो आपने देखा ना कैसे नर्सरी से ला के हमें इनकी केयर करनी है, और देखिए अब हमारा कितना साफ सुथरा सा पॉट हो गया है, प्लांट हो गया है, और इस तरह से हम इसको निकाल दिए हैं। तो इसी तरह आपको सबको देख लेना है। आप देखिए इसमें भी मैंने साफ कर दिया है, तो स्टैंप आप देख रहे हैं, स्टैंप अगर मिट्टी से हमारी टच नहीं होगी तो वो प्लांट हमारा ख़राब नहीं होता है, फिर वो प्लांट लंबे समय तक फंगस फ्री रहेगा। और फंगस ना लगने का मतलब सीधा है कि आपका प्लांट भी अच्छे से बढ़ेगा और ग्रो करेगा। सो फ्रेंड्स ये मैं फिर से नाम बता देती हूँ आपको, अगर पसंद आ रहे हो आप लाना चाहते हो तो आप ये देखिए है डेमो, ये है इनपेशन, ये है डॉग फ्लावर और ये है पिटूनिया। मैंने फ्लावर के साथ आपको दिखाया था, ये है पिटूनिया। सो फ्रेंड्स इसके बाद मैं पॉट दिखा देती हूँ, ये मैंने कुछ पॉट भी लिए हैं। देखिए ये 10 इंच के पॉट मैंने लिए फ्रेंड्स, इनके लिए सफिशिएंट है। जो विंटर प्लांट होते हैं इनको बहुत बड़े प्लांट की जरूरत नहीं, आप 8 इंच के गमले में भी लगा सकते हो, इनको 6 में भी लगा सकते हो, और 8 इंच तो सबसे बढ़िया है, 10 और भी अच्छा है, इससे बड़े में इनको मत लगाइए। और अगर मैं देखूंगी, क्योंकि प्लांटर भी कितना कोई लाएगा, बहुत ज़्यादा प्लांटर भी मैं नहीं रख लाऊँगी, इसलिए हो सके मैं दो लगा दूँगी, दो प्लांट भी अच्छा लगता है अलग अलग शेड के। तो और अगर रहा मेरे पास पॉट तो मैं एक लगाऊँ, जैसा होगा मैं देखूँगी। और ये देखिए 10 इंच का ये एक है, तो ये 30 के हैं फ्रेंड्स, ये देखिए 5 लिए हैं मैंने, तो ये 30 के हैं, और ये है 40 का, तो ये 12 इंच का है, तो ये 40 का है। और एक मैंने जो बल्ब आपको दिखाया था ना लिलियम का, उसके लिए मैंने ये लिया है, लिलियम का बल्ब लगाऊंगी मैं इसमें, तो ये भी 40 का ही है फ्रेंड्स, तो ये 40 के हैं दोनों, ये 30 के हैं सब, तो इस तरह से है पॉट। तो फ्रेंड्स बस इसी तरह थोड़ी थोड़ी शॉपिंग चल रही है गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए। और आप भी ज़रूर लाइए, विंटर के प्लांट लगाइए, और विंटर के प्लांट्स में इतना कलरफुल होता है और प्लांट्स में इतनी एनर्जी होती है कि अगर हमारा मूड ऑफ भी होता है ना तो इनके साथ रहकर और इस तरह से गार्डनिंग करके स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं हम, तो और क्या चाहिए। इतने सुंदर सुंदर प्लांट हमें 2020 के अभी मिल रहे हैं, और अगर आप महंगे भी लेते हो तो शौक़ की बात है अपनी, और अपने शौक़ पर हम कितना कुछ खर्च करते हैं, तो अगर ये अगर शौक भी अगर हम कर लेते हैं और थोड़ा बहुत इसमें खर्च करते हैं और खुश रहते हैं, सबसे बड़ी बात है, हम आजकल क्या ढूंढते हैं, खुशियाँ ढूंढते हैं, हम मॉल चले जाते हैं, मूवी देखाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं, तब भी हमारा कितना खर्चा होता है। और अगर हम इस तरह का शौक करते हैं जिससे हम इन्वायरमेंट को कितना अच्छा अपना एटमॉस्फेयर दे रहे हैं और नेचर को भी अपने साथ अपने करीब लेकर आ रहे हैं और उसके साथ रह रहे हैं और स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं, तो और क्या चाहिए, नन्हे प्लांट से और क्या मिल सकता है, तो बहुत अच्छा रहता है। आप भी स्ट्रेस फ्री रहिए, इनको लगाइए, और अपने घर का वातावरण भी बहुत अच्छा बनाइए, क्योंकि आजकल तो पॉल्यूशन बहुत है। तो अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो थोड़ी देर आप गार्डन में बैठेंगे आपको इतना सुकून मिलेगा कि ये भाग दौड़ की लाइफ को थोड़ी देर के लिए तो हम भूल ही जाते हैं। सो बाय बाय फ्रेंड्स, बहुत लंबी बातें हो गई आज तो, और आप भी जरूर लगाइएगा। सो एक प्यारा सा मेरा कटिंग्स लगाया हुआ देखिए ये गुड़हल, मैं हमेशा आपको दिखाती रहती हूँ, अभी आज इसमें फ्लावर देखिए खिला है और कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं क्या बताऊँ, मन चेहरा पर देखते ही रहूँ। सो इन्हीं को दिखाते हुए, इसी फ्लावर की खूबसूरती को दिखाते हुए वीडियो का अंत करिए फ्रेंड्स। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।